हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुखाली जी के व्लॉग्स। तो भाई आज हम आपको ले आए हैं रेवाड़ी के लोको हेरिटेज के अंदर, जहां पर स्टीम वाले जो इंजन थे, ट्रेन के जो इंजन है स्टीम वाले, जो पहले के टाइम पे चलते थे, वो आज भी वर्किंग कंडीशन के अंदर यहां चलते हैं। और ये पूरे इंडिया का एक ऐसा एक सिंगल प्लेस है जहां पर आज भी ये ट्रेनें मिलती है, और वो भी वर्किंग कंडीशन के अंदर। तो चलिए आज इसके अंदर चलते हैं और इंजन को देखते हैं कैसे क्या कुछ है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं टिकट काउंटर पर। तो भैया कैसे क्या कुछ टिकट है? फुल पैकेज 175 का है। अच्छा, ये जो लिस्ट लगा रखी है ये वाली है। तो भाई एंट्री टिकट इस तरह से है, ये सारे रेट लिखे हुए हैं अडल्ट के और चिल्ड्रंस के, और ये फुल पैकेज है 175 का, और बच्चों के लिए है 90 रुपीज़ का। तो भैया एक दे दो हमें भी, ये टॉय ट्रेन छोड़ देना, बाकी सब दे दो। ये भैया बैठे हुए हैं टिकट। भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मीणा। तो आप यहाँ टिकट विकट का ही काम करते हो, तो हमारे लिए कुछ ऑफर वगैरह कुछ दोगे, डिस्काउंट? अच्छा, ये संदीप फैनी है। अच्छा, तो आप यहीं पे मिलते हो हमेशा? बिल्कुल, हम यहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी ये टिकटें हैं, ये हमने अब ले ली है यहाँ से, और इसमें बहुत सारे जो हैं अलग अलग है, स्टिमुलेटर है, एंट्री टिकट है, और म्यूजियम की है, बहुत सारी टिकटें हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ सीन होने वाला है। सामने हेरिटेज शेड रेवाड़ी लिखा हुआ है, और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्किंग है, और बिल्कुल सामने एक स्टीम का इंजन खड़ा हुआ है अभी भी। ये इधर पार्क है। सो फ्रेंड्स, एंट्री करते के साथ सबसे पहले आई ये कैंटीन, ये इधर यहाँ की कैंटीन है, और ये आप जो जगह देख रहे हैं ये है मेन जगह जो है रेवाड़ी स्टीम लोको। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो लिखा हुआ है रेवाड़ी स्टीम लोको, और इसके अंदर है वो स्टीम वाले इंजन। तो चलिए देखते हैं किस कंडीशन के अंदर है आज वो। पहले एक इंजन खड़ा हुआ है जिसका फ्रंट का जो फेस है वो ओपन है यहाँ से। उसके बाद ये सेकंड इंजन यहाँ खड़ा हुआ है। अब अंदर से दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है ये, देखिए ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखते हैं इंजन। ये शायद इसका यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे कोयले वगैरह डालते थे, और फिर उसके बाद वो चलता था इंजन। ये वाला जो स्टीम इंजन खड़ा हुआ है इसका नाम है अकबर, और अब मैं दिखाता हूँ इसको पूरा। अंदर ये पूरा सिस्टम है जिसकी वजह से ये इंजन चलते थे, जिससे उसको ऑपरेट करते थे, और काफ़ी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो चुकी है इसकी, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता इसका तो पता नहीं। और बाकी जिस टाइम पे चलते थे उस टाइम पे बड़ा इनका रुतबा था। स्कूलों के जो बच्चे हैं वो भी टूर पे आते हैं, और ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर सभी बच्चे आके विज़िट करते हैं और बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। तो चलिए और चीज़ें देखते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स, ये एक और स्टीम इंजन खड़ा हुआ है जिसका नाम है अंगद। अब इसको दिखाता हूँ आपको, इसकी कंडीशन कैसी कुछ है। इनकी मेंटेनेंस जो है वो लगभग चलती रहती है। इस पर अभी पेंट किया हुआ ही लग रहा है, और अंदर से इसको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है अंगद इंजन। सो फ्रेंड्स, ये है फेरिकेन स्टीम इंजन जो कि आज भी चालू कंडीशन के अंदर है। ये 1855 में बनाया गया था, और आज 2021 में भी आप इसकी टिकट बुक कर सकते हैं क्योंकि ये आज भी चलता है। ये देखिए, मैंने इसको दूसरी तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, फेरिकेन इस पर लिखा हुआ है, और आज भी ये चालू कंडीशन के अंदर है, और ये आज भी चलता है। ये जो आप देख रहे हैं सुल्तान, ये सभी जो इंजन हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे इस पे सुल्तान की डिटेल्स लिख दी है, इस पे जो इंजन है सिंध उसकी डिटेल लिखी हुई है, ऐसे सारे जो बोर्ड्स हैं वो लगाए हुए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि साहिब जो इंजन है उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी। ये है प्रदर्शनी कक्ष, एग्जीबिशन रूम। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या कुछ होता है। ये सबसे पहले यहाँ रखा हुआ है एक स्टीम का इंजन मॉडल जो कि आप देख रहे हैं, अंतिम सितारा इस पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, इस पर जो प्लेट है जिन पे नंबर वगैरह कुछ लिखे हुए हैं वो भी यहाँ रखे हुए हैं। इसके साथ बहुत सारी फोटोएं जो कि स्टीम इंजन की है वो यहाँ पे लगी हुई है।
ये कुछ पार्ट्स हैं उनके। यहाँ पर एक मॉडल और रखा हुआ है जो कि है स्टीम लोको इंडियन रेलवे, इस पर लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भाई, ये है आज़ाद इंजन। अब इसको दिखाता हूँ मैं आपको, कंडीशन तो इसकी ऐसी हो रही है, चलने के लायक तो होगा नहीं ये, और बाकी चलता हो तो मेरे को पता भी नहीं। ये एक रोड रोलर जो कि पहले के टाइम पे स्टीम से ही चलते थे, उस जमाने के मशीनरी में जो यूज़ होते थे रोड वगैरह बनाने के अंदर, ये रोड रोलर है जो कि स्टीम से ही चलता है। इसी के अंदर ही ये छोटे छोटे जो है स्टेशन भी बनाए गए हैं जो कि मॉडल्स हैं, और ये टनल बनाई हुई है, ये पूरा हिल है जो कि मॉडल बनाया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जो यहाँ बनाए गए हैं। ये छोटे छोटे मॉडल मैंने आपको भी दिखाए थे, ये चल गए हैं और मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये अभी आ गई है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसका नाम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अब मैं इसको दिखाता हूँ, ये आगे से चैम्बर ओपन है इसका, अंदर दिखाता हूँ अगर कुछ दिखता है तो। ये देखिए पाइपें जो लगी हुई है जिसकी वजह से स्ट्रीम अंदर आती थी और इंजन जो है वो अपना वर्क करता था। ये मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये है कोस्टूमलेटर, यहाँ पर कुछ फिल्म टाइप कुछ चलेगा, वो अब अंदर जाके देखेंगे, तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये है कोस्टूमलेटर, ये देखिए, ये आई विजन पर आंखों पे लगा के फिर देखना है। ये बच्चे आ गए हैं तो फटाफट से देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हाँ इसको ऐसे लगा लो इस साइड से ऊपर, और बाकी इधर से, हाँ ऐसे। कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। हाँ अभी बताता हूँ, इसको ऐसे 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 दिख रहा है ना, हाँ तो ऐसे ही देखो बस। हाँ जी ऐसे, बिल्कुल सही है, तुम्हें दिख रहा है? हाँ। दिखाओ बेटा, आपको दिख रहा है बेटे? दिखाओ बेटे, दिख तो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए स्ट्रीम को स्टिमुलेटर था उससे बाहर, और अभी मैं आपको इसके अंदर एक क्लिप दिखाऊंगा जो कि उसके अंदर क्या कुछ दिखाया। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं लोको स्टीम स्टिमुलेटर के अंदर, और इसके अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने अपनी वीडियो में आज में पूरे बताया कि रेवाड़ी का स्टीम लोको है वो किस किस तरह के उसके अंदर ट्रेन अवेलेबल है, और आप भी यहाँ कभी भी आ सकते हो। जो ये एरिया है, ये रेवाड़ी से रेलवे स्टेशन है उससे जस्ट 400 मीटर दूरी है, और आप भी यहाँ पर आ सकते हो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर ले, बहुत अच्छी जगह है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।